असलम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू टुडे बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज ग्लोबल इन्वायरमेंट सो लास्ट लेक्चर के अंदर भी हम जो वो ग्लोबल इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे जिसके अंदर हमने जो डिफरेंट चीजें डिस्कस की थी दैट हाउ वी कैन कनक द बिजनेस इन ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड ग्लोबल इन्वामेंट के अंदर जो वो किस तरह से जो वो आपकी इकोनॉमीज आपस में एक दूसरे के साथ जो वो इंटरलिंक्ड हैं कैसे जो वो डिफरेंट कंट्रीज ने आपस में एग्रीमेंट्स किए हुए हैं so, सो <coughs> आज के लेक्चर के अंदर भी अगेन जो वो ग्लोबलाइजेशन को जो है वो थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा कि आज के इस दौर के अंदर मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली जो वो इंक्रीज हो, हो गई है कम्प्लैक्स इन्वामेंट है सो so, इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन को अब जो वो ग्लोबली सोचना पड़ता है सो so, operating in a global environment uh, there are few terms that we have to discuss hame jo kuch concepts ko jo wo understand karna padega ki jab hum obviously global environment ke andar global perspective ke andar kaam kar rahe hain to ye kuch basic jo wo uh, concepts हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कि किन किन तरह तरीकों से जो है वो हम business कर सकते हैं globally So, सबसे पहला ग्लोबल ग्लोबल सोर्सिंग। सोर्सिंग का मतलब क्या है सबसे पहले मुझे सोर्सिंग का बताना पड़ेगा दैट व्हाट इज सोर्सिंग सोर्सिंग इज बेसिकली टर्म यूज्ड फॉर लुकेटिंग नॉट डायरेक्टली फॉर द परचेजिंग बट लीड्स टू वर्ड परचेजिंग एग्जेक्टली होता क्या है कि सोर्सिंग मीन्स टू लोकेट लोकेट uh, किस चीज़ को करना होता है जब आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए परचेजिंग करते हैं फॉर द रिसोर्स जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको रॉ मटेरियल चाहिए आपको लेबर चाहिए तो उस चीज़ को आप जहां से लुकेट करते हैं मीन्स फाइंड आउट करते हैं उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है सोर्सिंग अब लोकली अगर आप ये फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जब वो uh, प्लास्टिक चाहिए मैनुफेक्चरिंग के लिए या आपको जो वो क्रूड ऑयल की जरूरत है या फिर आप जो वो आ, आ, आपको व्हीट की जरूरत है ये कोई भी रॉ मटेरियल हो सकता है सो so, आप क्या करते हैं दो तीन जो वो बिडर्स से जो वो उसकी बेड लेते हैं आप जो वो लोकली उसको फाइंड आउट करते हैं अपने से उसका डिस्टेंस मेजर करते हैं सबकी जो वो कॉस्ट देखते हैं कि कौन मुझे जो वो किस प्राइस के ऊपर जो वो दे रहा है सो so, ये आप जो फाइंड आउट कर रहे हैं इस प्रोसेस को बेसिकली सोर्सिंग बोला जाता है एंड ऑबली इट लीड्स टूवर्ड ही होता है सोर्सिंग का अगर ये ग्लोबली हो रही है मीनस फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको जो है वो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल के अंदर कितनी सारी ऐसी चीजें होती हैं कलर्स के अंदर केमिकल्स के अंदर जो हम इंपोर्ट करते हैं मीन्स बाहर से मंगवाते हैं दूसरे लोग कंट्री से जो है वो लेके आते हैं सो so, इस वाले कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे ग्लोबल सोर्सिंग मींस परचेजिंग मटेरियल्स और लेबर फ्रॉम अराउंड वर्ल्ड इट चीपेस जहाँ से ये सस्ता मिलेगा और सोर्सिंग का सबसे सिंपल फॉर्मूला यही होता है कि ये इट शुड बी चीपेस्ट ये जहाँ से आपको अच्छा और सस्ता मिलता है मटेरियल और लेबर अब वहाँ पे चले जाते हैं इसकी एक और एग्जाम्पल ये है जैसे फॉर एग्जाम्पल मोबाइल मैनुफेक्चरिंग कंपनीज हैं आपने देखा कि वो यूजली uh, जो है वो चाइना बांग्लादेश uh, इंडिया और इन कंट्रीज के अंदर जो है वो शिफ्ट हो होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ चीपेस्ट लेबर के वहां पे सस्ती जो है वो लेबर मिल जाती है सो ग्लोबल सोर्सिंग का कॉन्सेप्ट जो वो आपको समझ आ गया होगा दैट परचेज मटीरियल्स और लेबर फ्रॉम अराउंड Where it is दूसरा कॉन्सेप्ट है जी एक्सपोर्टिंग का एक्सपोर्टिंग क्या है चीजों को और जब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट मीन्स बाहर भेजना दूसरे कंट्रीज के अंदर भेजना जब आप अपने कंट्री के अंदर मंगवाएंगे फॉर एग्जाम्पल आप बाहर से मंगवा रहे हैं तो इट मीन्स यू आर इम्पोर्टिंग जब आपके कंट्री के अंदर मीन्स आपके अंदर यहाँ पे कंट्री के अंदर जो है वो उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही या वो आपको महंगे में मिल रहा है तो आप क्या करते हैं बाहर से मंगवाएंगे मीन्स अक्रॉस बॉर्डर दूसरे कंट्री से आप मंगवाएंगे तो उस वाले कॉन्सेप्ट को इम्पोर्टिंग बोलेंगे इम्पोर्ट करना जब आप क्या करते हैं कि प्रोडक्ट्स यहाँ पे डोमेस्टिकली बन रही हैं एंड यू आर सेलिंग देम अब्रॉड दूसरे कंट्रीज के अंदर जाके बेच रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमारी लेदर प्रोडक्ट्स हैं वो पाए जाती हैं फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बाहर जाते हैं दूसरे कंट्रीज के अंदर स्पोर्ट्स का सामान है जो सालकोट में बनता है डोमेस्टिकली लेकिन बाहर जो है सारी दुनिया के अंदर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है हमारा राइस जो है वो चावल जो है वो दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है सो दिस इज एक्सपोर्टिंग दैट मेकिंग प्रोडक्ट्स डोमेस्टिकली एंड सेलिंग दम अब्रॉड इम्पोर्टिंग का मैंने अभी आपको बता दिया कि मेड अब्रोड मीन्स जो बाहर बनी है Uh, उनको एक्वायर करना एंड सेलिंग देम डोमेस्टिकली और लोकली तौर पे जो है वो उसको बेचना इसको इंपोर्टिंग बोलते हैं कि आपने बाहर वाली प्रोडक्ट को लोकली यहाँ पे ला वो बेचा है इसको इंपोर्टिंग बोलेंगे सो एक्सपोर्टिंग यूजली आपने जो लफ्स नहीं होगा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सो दीज आर अपोजिट वर्ड्स सबसे पहले हमने ग्लोबल सोर्सिंग की बात की दैट फाइंडिंग आउट और और मटेरियल्स लेबर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड

ये एक जब वो अलाउ uh, करना है इजाज़त है बेसिकली फ्रॉम द कंपनी साइड के आप जब वो ऑन द बेसिस ऑफ सम फी ऑन द सम फी आप कुछ फी लेके अपना लाइसेंस जो वो दूसरे को दे देते हैं आप लाइसेंसिंग कर देते हैं आप उसको इजाजत दे देते हैं आप अलाउ कर देते हैं आप उसको राइट right दे देते हैं बेसिकली

आप परचेज भी कर सकते हैं बनवा भी सकते हैं लेकिन यूजुअली क्या होता है उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है उसको ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है उसको मैनेज करना वो कॉन्टीन्यूस एक टास्क है तो आप क्या करते हैं लाइसेंसिंग ले लेते हैं ताकि उसकी मेंटेनेंस जो है वो किसी और के जिम्मे रहे सो बैंकिंग सॉफ्टवेयर जितने भी हैं वो सारे जो है वो लाइसेंसिंग फॉर्म के अंदर होते हैं <laughs> इसी तरह जो है वो कितनी सारी सर्विसेज फॉर्म्स हैं जो कि क्या करती हैं है लाइसेंसिंग कर रही होती हैं कि आप अपने बिहाफ पे जो है वो आ, कुछ पैसे लेके दूसरों को जो है वो लाइसेंसिंग कर देते हैं ताकि वो आपकी प्रोडक्ट को मेक और सेल कर सके बना सके या फिर बेच सके यूजली जो वो ये आपके जो वो टैग को जो वो यूज किया जा रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ फी कि आपकी जो वो आपसे कुछ फीस लेके जो वो लेसन बेसिकली आगे जब हम फ्रेंचाइजिंग को डिस्कस करेंगे तो उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मैं एग्जाम्पल से भी क्लियर कर देता हूँ फ्रेंचाइजिंग क्या है ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन गिव्स अनदर अदर ऑर्गेनाइजेशन द राइट टू यूज इट्स नेम एंड ऑपरेटिंग मेथड्स अब यहाँ पे भी वही राइट टू मेक राइट टू मेक एंड सेल की जो वो वर्ड यहाँ पे भी यूज हुआ है लेकिन यहाँ पे एक और चीज भी है के टू यूज इट्स नेम एंड ऑपरेटिंग मैथड्स के आप जो वो उसका नेम ऑबली यूज कर रहे हैं उसका मैनुफेक्चरिंग प्रोसेस और सारा कुछ आप ये कह लें कि फ्रेंचाइजिंग इज बेसिकली फुल अथॉरिटी के इसके अंदर आप जो वो फुल राइट्स दे रहे हैं अब अगले जो वो फ्रेंचाइजी को इसमें दो पार्टियां होती हैं फ्रेंचाइजिंग के अंदर एक फ्रेंचाइजर होता है और एक फ्रेंचाइजी होता है फ्रेंचाइजर वो है जो बेसिकली uh, uh, आपको फ्रेंचाइज दे रहा है That, और फ्रेंचाइजी कौन है दैट हु इज गिविंग एप्लीकेशन और जो आप ये कह सकते हैं कि जो फ्रेंचाइज ले रहा है उसको आप फ्रेंचाइजी बोलेंगे सो फ्रेंचाइजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन गिव्स अनदर ऑर्गेनाइजेशन द राइट टू यूज इट्स नेम एंड ऑपरेटिंग मेथड्स इन दोनों के अंदर अब कंपैरिजन जब हम करेंगे एग्जांपल देंगे तो फिर आपको ज्यादा समझ आएगी हम ऐसे इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए कह सकते हैं कि फ्रेंचाइज़िंग का स्कोप ज़रा बड़ा है और लाइसेंसिंग का स्कोप जरा लिमिटेड है कि उसके अंदर जब वो आप लिमिटेड स्कोप के अंदर जब वो अलाउ कर और जो वो जो फ्रेंचाइज ले रहा होता है लाइसेंसिंग के अंदर वो भी जो है वो या लाइसेंसिंग जो ले रहा होता है वो भी जो है वो लिमिटेड स्कोप जो वो ओनली उसका यूज कर सकता है फुल फ्लैट जो है वो कंपनी का नेम कंपनी की मैनुफेक्चरिंग कंपनी की प्रोडक्शन वो यूज नहीं कर सकता फ्रेंचाइजिंग के अंदर कर सकता है अब इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ सबसे पहले अगर इंटरनेशनल एग्जांपल्स दू तो मैकडोनल्ड्स जो वो की जितनी ब्रांचेस हैं वो फ्रेंचाइजेस हैं के की जितनी फ्रेंचाइजीज हैं वो फ्रें, आ, वो सारी सारी फ्रेंचाइजीज के फॉर्म के अंदर आती हैं आ, फिर इसी तरह जो वो अगर हम पाकिस्तानी गोरमे की बात करें तो गोरमे जो वो उसकी डिफरेंट फ्रेंचाइजी हैं सो so, मतलब क्या कि जहां पे बेसिकली अब यहाँ पे एक, एक, एक और कंसेप्ट आपको बता दूं कि फ्रेंचाइजिंग दो तरह से हो सकती है एक कंपनी ओन्ड फ्रेंचाइजिंग और दूसरी आप जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करते हैं अब ये क्या होता है बेसिकली कंपनी ओण्ड क्या फॉर एग्जाम्पल के एक कंपनी है जैसे हम बात कर लेते हैं गोरमेंट की तो अगर गोरमें अपनी फ्रेंचाइजीज़ खुद से बनाए जितनी वो खुद से अब लाहौर के अंदर यूजली उनकी जितनी फ्रेंचाइजीज़ हैं वो पहले अपनी है उनकी वो वो सारी जो है वो वहां पर उन्होंने खुद से इन्वेस्टमेंट करके कंपनी ने ही इन्वेस्टमेंट करके अपनी फ्रेंचाइजेज ओपन की हुई हैं मीन्स अपनी सारी प्रोडक्ट्स की रेंज अपनी सारी जो वो वहां पे जो ऑपरेशन हैं, वो सारे के सारे गवर्नमेंट के जो है वो आ, चल रहे हैं लेकिन देयर ओन इन्वेस्टमेंट अपनी ही इन्वेस्टमेंट के साथ उन्होंने जो है वो बनाए हुए हैं तो इसको भी फ्रेंचाइज ही बोलेंगे लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि आप प्राइवेट पार्टनरशिप ले लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आप उन्होंने जब एक्सपेंड किया ने तो गुजरा वाला के अंदर फिर मंडी बॉल दिन डिफरेंट सिटीज ऑफ पंजाब के अंदर उन्होंने अपना नेटवर्क एक्सपेंड किया तो वो कैसे एक्सपेंड किया थ्रू प्राइवेट पार्टनरशिप उन्होंने है वो सात प्राइवेट पार्टनर्स को जो वो एड किया क्या आएँ इन्वेस्टमेंट करें अब वहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट्स कंपनी की ही होती हैं वहाँ पे जो वो आ, लेकिन क्या होता है कि स्टाफ लोकल हम हायर कर लेते हैं उसी सिटी में से फिर इसी तरह जो है वो उसको मैनेज खुद ही प्राइवेट पार्टनर्स ने करना होता है उन्होंने क्या करना होता है जिन्होंने फ्रेंचाइज दी होती है उनको आप जो है वो प्रॉफिट मार्जिन बीच में बीच में से शेयर कर रहे होते हैं सो डिफ़रेंट मॉडल है दो तरह से बेसिकली मैंने कहा हो सकती है खुद से करके बनाए और दूसरा जो जो आपकी है कि अगर आप जो वो लोकल पार्टनर्स को करें इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूँ जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने जो वो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो वो फाइव कैंपस ओपन किए थे जो कि अब बंद हो गए हुए हैं एक गुजरा वाला में भी था एक मंडी बॉल दिन एक लाहौर के अंदर एक फैसलाबाद के अंदर सो so उन्होंने कैसे किया था कि दे ओपन बेसिकली ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राइवेट पार्टनर्स की होती है मेन टैग जो है वो रूल्स एंड पॉलिसीज जो है वो uh, आपकी कंपनी का ही यूज हो रहा होता है सो दिस वाज आल्सो द टाइप ऑफ फ्रेंचाइजिंग अब लाइसेंसिंग क्या है लाइसेंसिंग as compared to franchising मैंने जैसे कहा कि इट इज नैरो स्कोपड इसका स्कोप जो वो narrow है आ, वो नैरो है कम स्कोप वाली है इतने फुल फ्लैज ऑपरेशंस वहाँ पे जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते ये ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि लाइसेंसिंग के अंदर आप जो वो, आ, किसी के राइट्स जो है वो थोड़े बहुत दे देते हैं किसी को जैसे सॉफ्टवेयर की मैंने एग्जांपल दी कि दिस बेसिकली आई एम सो सो सॉरी हम बात कर रहे थे जी इट इज बेसिकली राइट टू मेक और सेल इट्स प्रोडक्ट्स यूजिंग इट्स ट्रेडमार्क और टेक्नोलॉजी के आप उसका नेम ट्रेडमार्क का मतलब है कि आप उसका नेम लोगो यूज कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ सम फीस जैसे इसकी एक और एग्जाम्पल ले लें जैसे मोबाइल फोन के ऊपर आपने देखा होगा कि जो वो मोबाइल नोकिया है या फिर जो वो uh, आपका क्यों मोबाइल है या कोई भी कंपनी है लेकिन उसके ऊपर एक जो वो आ, स्टिकर लगा होता था जी वारंटी वाला वर, वो वारंटी जो वो आ, ए, एक डिफरेंट कंपनी की होती थी तो उसको हम जो वो क्या बोलते हैं लाइसेंसिंग के वो उसकी बेस के ऊपर जो वो उन्होंने उसको अलाउ किया हुआ है कि आप जो वो आ, दे सकते हैं आप जो वो यूज कर सकते हैं इसी तरह जो वो डिफरेंट जो वो कंपनीज की लाइसेंसिंग जै, जैसे ये शॉपिंग मॉल्स होते हैं शॉपिंग मॉल्स के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के सॉफ्टवेयर जो वो यूज कर रही होती हैं सो दिस इज बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग इसी तरह नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है जी स्ट्रेटेजिक अलायंस इट इज अ पार्टनरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड वन और मोर फॉरन कंपनी पार्टनर्स इन विच बोल रिसोर्स एंड नॉलेज इन डिवेलिंग न्यूडक्ट और बिल्डिंग प्रोडक्शन फेसिलिटीज जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा आपने ऑब्जर्व किया होगा ये शायद आपके नॉलेज में हो कि एल जी और पेल कंपनी ने आपस में स्ट्रेटेजिक अलाइंस किया कि दे आर बेसिकली ऑपरेटिंग सेपरेटली वो सेपरेटली जो वो काम कर रहे हैं उनकी फ्रेंचाइजेज उनके अलग-अलग मौजूद हैं लेकिन अलाइंस प्रोडक्शन उन, उनकी प्रोडक्शन एक ही जगह पे हो रही होती है एल जी और पहले ये दोनों कंपनीज जो वो क्या कर रही हैं अपनी टेक्नोलॉजी जो वो शेयर कर रही होती हैं अपने प्रोडक्शन प्लांट्स शेयर कर रही होती हैं एक ही जगह से इनकी प्रोडक्शन जो वो हो रही होती है अब क्या है कि अब ये सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप है कि आप जो वो अलग अलग तो काम कर ही रहे हैं लेकिन आप जो वो टेक्नोलॉजी बेहतरी हो सो दिस इज सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दी एल जी और पेलको इसी तरह कई कंपनी जो वो दुनिया के अंदर आपस में मिल के काम कर रही होती हैं नेक्स्ट जी टाइप है जॉइंट वेंचर जॉइंट वेंचर भी स्ट्रेटेजिक अलायंस ही है लेकिन उसकी एक्सटेंडेड वर्जन है कि यहाँ पे क्या होता है कि आ, जो वो दोनों कंपनीज आपस में मिल जाती हैं दे बेसिकली एग्री टू फॉर्म अ सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर सम बिजनेस पर्पज जैसे इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो ली जाती है आपने देखा होगा एक कंपनी होती थी सोनी और एक कंपनी थी जी एरिक्सन दोनों कंपनीज आपस में मिल के उन्होंने एक सोनी एरिक्सन जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई कि सोनी भी खत्म हो गई एरिक्सन भी खत्म हो गई और एक अलग से कंपनी बन गई सोनी एरिक्सन सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट वेंचर कि जहाँ पे आप जो वो दोनों कंपनीज़ एक दूसरे को बेसिकली एक दूसरे के अंदर जम हो जाती हैं और एक न्यू कंपनी जो वो सेपरेट कंपनी जो वो बन जाती है जैसे अभी जो वो जायज़ और वारद भी आपस में बेसिकली uh, uh, बोला जाता है जैसे लिया परचेज कर लिया तो उसके बाद जो सिर्फ जैज ही चल रहा है सो दिस इज सॉर्ट ऑफ एक्विजिशन लेकिन हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि आप जब दोनों कंपनी मिल एक न्यू कंपनी शेप करते हैं uh, उसको आप जो है वो ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं जैसे हमने सोनी और एलिक्सन की जो वो एग्जाम्पल दी सो लास्ट वन जो concept है दैट कॉन्सेप्टी फॉर सब्सिडरी क्या है uh, कि जब आप बाहर के किसी कंट्री के अंदर जाके डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं दूसरे किसी कंट्री के अंदर जाके डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं बाय सेटिंग अप अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन फैसिलिटी और ऑफिस तो so, उसको आप फॉरेन सब्सिडरी बोलेंगे क्योंकि आपके ऑपरेशन लोकली अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की बात करें तो अगर आपके पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन प्लांट्स ऑलरेडी हैं तो आप जब वहाँ पे जाके फॉरेन दूसरे कंट्री के अंदर जाके चाइना के अंदर इंडिया के अंदर यू के अंदर या यू के अंदर जाके अपने आप प्रोडक्शन प्लांट्स लगा रहे हैं या ऑफिस ओपन कर रहे हैं तो उनको आप फॉरेन सब्सिड्री बोलेंगे कि ये अब आपने फॉरेन जो वो ऑफिस uh, जो है वो ओपन कर ली है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन दिन कंट्री बोल सकते हैं आप सो so, uh, uh, इन, इन तरीकों से आप जो वो ग्लोबली बिजनेस कर सकते हैं सबसे पहला एक्सपोर्टिंग था कि आप प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्टिंग के अंदर आप प्रोडक्ट को अपने कंट्री के अंदर लेके आ रहे होते हैं लाइसेंसिंग के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ सम फी ऑन द रिवारी आप जो वो क्या कर रहे होते हैं बेसिकली इजाजत ले रहे होते हैं आप राइट ले रहे होते हैं टू मेक और 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 सेल इट्स इट्स प्रोडक्ट्स यूजिंग ट्रेडमार्क टेक्नोलॉजी फ्रेंचाइजिंग के अंदर आप फुल फ्लैच ऑपरेशंस को ले रहे होते हैं बेसिकली जैसे मैंने मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल दी के की एग्जांपल दी गोरमे की एग्जांपल दी पंजाब कॉलेज की एग्जांपल ले लें आप बेशक इसमें सो uh, so, इसी तरह से स्ट्रेटेजिक अलायंस है फिर एक जो टाइप इसके अंदर क्या हो रहा होता है कि आप पार्टनरशिप कर रहे होते हैं विद सम ऑर्गेनाइजेशन एंड वन और मोर कंपनीज बेसिकली पार्टनर्स मिलके आपस में क्या करते हैं दे शेयर रिसोर्सेज एंड नॉलेज इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स और बिल्डिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज सो इसी तरह से फिर नेक्स्ट जो वो एक टाइप हमने जॉइंट वेंचर को डिस्कस किया कि जिसके अंदर दो तो कंपनी सेपरेटली जो बिजनेस कर रही थी उन्होंने किया कि आपस में मर्ज हो गई आपस में जो वो जॉइंट वेंचर कर लिया जैसे कि आ, एक आ, मैंने आपको एग्जांपल दी सोनी और एरिक्सन कंपनी की फिर लास्ट वन हमने ऑप्शन यहाँ पर डिस्कस की फॉरेन सब्सिडरी की कि जहाँ पे आप डायरेक्टली फॉरेन कंट्री के अंदर जाके अपनी सब्सिडरी ओपन करते हैं अपनी फ्रेंचाइज ओपन करते हैं या इंडिपेंडेंट एक प्रोडक्शन फैसिलिटी या ऑफिस आप जब वो ओपन करते हैं तो उसको फॉरेन सब्सिड्री बोलेंगे एक लास्ट जब वो टॉपिक इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट फॉर द ग्लोबल परस्पेक्टिव एक कॉन्सेप्ट इसमें होता है फ्री मार्केट इकोनॉमी का

प्रोडक्शन के सारा कुछ जो है वो कौन सेट कर रहा है बेसिकली मार्केट सेट कर रही है सो मार्केट मींस प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जिसको बोला जाता है फ्री मार्केट इकॉनमी दूसरा कॉन्सेप्ट इसके ऑपोजिट है दैट इज प्लानड इकॉनमी प्लानड इकॉनमी सिस्टम कहाँ पे इन विच इकोनॉमिक डिसीजंस आर प्लानड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कि जहां पे सेंट्रल आपकी प्राइसेस, आपका सारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपकी मार्केट टाइमिंग्स, ये सारा कुछ कौन प्लान कर रहा है गवर्नमेंट प्लान कर रही है सो so देन आप उसको बोलेंगे प्लैंड इकोनॉमी सो इकोनॉमिक वर्सेस प्लैंड इकोनॉमी जो वो इस कॉन्सेप्ट को भी माइंड में रखिएगा फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करता है कि मार्केट मार्केट प्राइसेस क्या क्या होंगे टाइमिंग होंगी और आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे मींस कि आपने मार्केट के ऊपर जो वो छोड़ दिया के अंदर जो वो यही काम जो वो गवर्नमेंट जो वो परफॉर्म कर रही होती है जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है सो थैंक यू सो मच आज के लेक्चर के अंदर इतना ही हमने आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली डिस्कस किया दैट वट आर वेरियस टाइप ऑफ बिजनेसिस वी कैन कंडक्ट ग्लोबली कि हम ग्लोबली जब जा रहे होते हैं तो हम कौन कौन से जो वो आ, किस किस तरीके से जो है वो हम बिजनेस कर सकते हैं जिसमें हमने ग्लोबल सोर्सिंग की बात की एक्सपोर्टिंग की बात की इंपोर्टिंग की बात की लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग स्ट्रेटेजिक जॉइंट वेंचर एंड फॉरन सब्सिड्रीज थैंक यू सो मच जी मिलते हैं